गुमसुम हम हैं, गुमसुम तुम हो, बेगर्स हो गए। आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं ना, आए यहां क्या हो रहा है? बताती हूँ इसके मामा। अम्मा ये ले। खाला तैयार हो गई? जी जी हो गई। और वो थाल मेहंदी के और फूलों वाले तैयार है? हाँ जी, वो तो नायला खाला लाने वाली थी ना। नायला तो अभी तक नहीं पहुंची। कमाल है, देखो बहन की शादी है और इसको कोई खबर ही नहीं, हमेशा लेट। हाँ हेलो नायला, क्या कर रही हो तुम? लड़के वाले आने वाले हैं, तुम अभी तक नहीं पहुंची? क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बात कर रही हो तुम? अरे क्या तुम रंग में भंग डाल रही हो? नायला मेरी बात इधर आओ, जोर लाई। अरे भाई मेरे मुंह पे का लाइटें मारे हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आइए 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 भाभी, इन लोगों को बिठाना। क्या हाल है भाई, कैसे हो? ठीक है, बड़े हो गए यार। हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू? आ जाएं प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेहर बाप बिठाओ ना इन लोगों को यार। पर ये कोई मौका है इस तरह की बात करने का? नायला तुम भी बस बचाए इसके कि अपने मियां को अकल देती, उसे समझाती, तुम उसे शह दे रही हो। हद है, वैसे तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है। उफ़ अल्लाह खुदा यार। हाँ, तो कह रहा है तो फिर तुमसे एक मर्द काबू में नहीं आता है? एक बेवकूफ शौहर को अपने पीछे नहीं लगा सकी तुम? अच्छा अच्छा बात करती हूँ मैं असवन से, पर भाई साफ बात है ये कोई मौका नहीं था। घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम और साकिब ये नए नए शोशे छोड़े हो। ठीक है बस, कहो तो मैं बात करूँ साकिब से। अरे तुम रहने दो, कभी सही बात की है तुमने, और ही बिगाड़ोगे बात को। मैं ही करूंगी असवन से बात। बेचारा मेरा भाई, पहले क्या कम मसले और परेशानियां हैं, तो ये साकिब और इन्होंने मसला और डाल दिया। ओह बताया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। खाला आने में बड़ी देर कर दी आपने। अरे क्या करे, ट्रैफिक ही इतनी है। और शुक्र है कि तुम अपने आखिरी फर्ज से भी फारिग हो रहे हो। बस खाला आपकी दुआ चाहिए। बस भाई मेरी तो दुआ ये है कि मैं भी अब अपने आखिरी फर्ज से फारिग हो रहा हूँ। हाँ आमीन। नहीं अब आइए ना, आप आइए तो सही। अरे भाई तुमने बताया नहीं कि लड़का करता क्या और कहाँ रहता है? वालेकुम अस्सलाम। और रिश्ता करते हुए तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? अरे मैं तुम्हारी खाला हूँ। अरे आप बैठ तो जाएं, मैं सब बताता हूँ आपको। अच्छा, दरअसल मैं लड़का बाहर से आया, वो छुट्टियों पे आया हुआ था, नबीला पसंद आ गई, उन्होंने कहा मंगनी वंगनी कुछ नहीं करनी, बस शादी कर देते हैं। अरे भाई फिर तो छाट पटक करना तो बहुत जरूरी थी, ये तो पता करना था कि कहाँ है कैसा है। हाँ नजीबा आपा के जानने वाले हैं, नजीबा आपा ने सब पता कर लिया था। ओ अच्छा, ये रिश्ता नजीबा ने कराया है। हाँ इसीलिए भाई खाला मामू को तो
दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। नजीबा नहीं चाहती कि हम आए। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ऐसी बात है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खाला आइए ना, मेरी अम्मी आई है, उनसे तो मिलने। आप यहाँ बैठिए। हाँ जरूर, मैं मिल के आती हूँ। हाँ तू भी आ जा बेटा। आपके लिए। थैंक यू। कैसी है? वैसी। और अच्छी। थैंक यू, आप भी काफी अच्छे लगे। सूट कर रहे हैं जी। आपा तुम यहाँ मसरूफ हो, वहाँ हम पे कयामत गुजर गई है। क्या वो खैरियत है? चलो मेरे साथ आ जाओ। जी मैं जानती हूँ, ये सब साकिब की हरकत है। अब नायला इतनी भी कम अकल नहीं है कि छोटी बहन से ही हसद और मुकाबला लगाकर बैठ जाए। मेरे ख्याल में तुम्हें उसे मनाने के लिए जाना चाहिए। तुम कहो तो मैं चलता हूँ। हाँ वो आएगी थोड़ी, वो तो जिद बांधे बैठी है। वो कह रही है कि मियाँ और ससुराल के सामने उसका नाक कट गया है, वो नहीं आने वाली, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। यार वो नाई तो बड़ा तमाशा बनेगा खानदान में। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, बस आप ये दुआ करें कि खानदान में किसी को कुछ पता ना चले। कितनी देर तक मैं बात संभाल सकती हूँ? फिर साकिब इस कदर बदलिहाज और बेगैरत इंसान है, वो आने देगा? तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा अस्तन। करता हूँ कुछ ना कुछ आपा, करता हूँ। आप लोग यहाँ संभालें सब। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ ना। शादियों में तो ये सारी चीजें चलती हैं बेटा। कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई रूठ जाता है, मनाना पड़ता है। तो तुमने दिल छोटा नहीं करना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह मना के। क्या हुआ असन बेटा, सब खैरियत है? कुछ नहीं खाला, कुछ नहीं। असन जाओ ना, अभी घर मेहमानों से भर जाएगा, बारात भी आने वाली है, तुम यहीं खड़े हो। जाओ उसको वादा करके धुला फुसला के लेकर आओ किसी तरह से। जाओ देर ना करो, चलो जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खैर है, सब ऐसे होता रहता है। नायला का एतराज बिल्कुल नाजायज है। भाई है वो उसका, बड़े मान से बड़े प्यार से गिला किया है उसने। ये कोई गिला करने वाली बात है? अरे बहन है तो भाई का ख्याल करे ना। और ये क्या, छोटी बहन की शादी पे मुकाबलेबाजी पे उतर आई? अंदर का हाल किसी को मालूम नहीं होता खाला। पता नहीं शौहर ने और ससुराल ने उसे ताने दे देकर उसका क्या हाल किया होगा। अब वो भाई से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? भाई मुझे तो असवंत की बहुत फिक्र हो रही है। हो संभालते ही बाप के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसने उठाई, और क्या खूब जिम्मेदारी उठाई। अब तुम लोग उसका ख्याल करो, उसमें ज्यादा बोझ मत डालो। क्या मतलब है आपका फरीदा खाला? मतलब क्या है, हम बोझ हैं? मतलब अगर असफन ने हमारी जिम्मेदारियां नहीं उठानी थी तो किसने उठानी थी? बड़ा दर्द जाग रहा है आपके दिल में अपने भांजे के लिए। हम बिन माँ की लड़कियां आपको नजर नहीं आ रही? हमने किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया? अपने मसाइल हम अपने भाई से नहीं कहेंगे तो क्या आपसे कहेंगे? किससे उम्मीद लगाएंगे? उसने जो कुछ भी किया उसका फर्ज था। नजीबा तुम बहुत ही बदलियाज हो, आए गए कि तुम्हें तमीज ही नहीं है। अरे इतना तो सोच लो, मैं तुम्हारी सगी खाला हूँ और खाला माँ की जगह होती है। सुन भाई, देखिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं भी फैमिली वाला हूं ना। मेरी माँ मेरी बहनें जब शादी में आएंगी तो ये सब नोटिस नहीं करेंगी क्या, बताएं?
और फिर मुझे ताने अलग सुनने को मिलेंगे कि छोटी बहन को 30 तोले सोना दे दिया और मुझे सिर्फ 20। कुछ तो ख्याल करें आप असन भाई। बेटा बात समझने की कोशिश करो, कामरान यहाँ नहीं रहते, नबीला बाहर जा रही है ना शादी करके। सो जब मैंने लड़के वालों से पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया था जहेज से, इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो उसके लिए पैसे रखे हुए थे शादी के उसका सोना बना दिया उसको। और बेटा तुम्हें कम जहेज तो नहीं दिया था ना, मैंने सब कुछ तो दिया था जी, याद है मुझे। और ये भी याद है कि जब आपने मुझे जहेज में एसी लेकर दिया था ना तो आपने कितना फसाद मचाया था कि उन्हें भी एसी चाहिए, और फिर ऐन बारात वाले दिन जब तक आपने उन्हें एसी नहीं लगा के दिया था वो चुप नहीं की। हसन भाई अगर आप नजीबा आपा का एतराज दूर कर सकते हैं तो हमारा भी कर देना। शादी चल रही है साकिब, घर में इस तरह अचानक, मतलब देखो ये ऐसी बात है जो हम फिर कर सकते हैं, मतलब अभी देखो मेहमान आ रहे हैं, सब लोग तुम लोगों का पूछ रहे हैं, अब जिद मत करो ना, उठो तैयार हो चलो चलो बेटा। बस बस रहने दो खाला, माँ की जगह होती तो हमारी माँ के जाने के बाद हमारा सोचा होता। दो दो जवान बेटे थे तुम्हारे, तुम्हें तो ख्याल ना आया। तुम्हारे सामने मैं दुगनी उम्र के मर्द से ब्याही गई, तुमने पलट के नहीं पूछा, अब आ गई हो माँ बनने हक जताने के लिए। रहने दो नजीबा, अब तुम्हारे बच्चे जवान हो गए और तुम गड़े मुर्दे उखा रही हो। अगर तुम्हारी शादी बड़ी उम्र के आदमी से हो गई है तो मेरे बच्चे भी तुमसे 10-15 साल छोटे थे। अगर मेरी महविश पालने में अश्वंत के नाम तुम्हारी माँ ना कर गई होती तो ये बताओ कभी वट्टा सट्टा हुआ है हमारे खानदान में? अरे रहने दे नजीबा, तुझे तो बहाना चाहिए किसी ना किसी से झगड़ा करने का। चल खाला, एक मिनट, नाराज ना हो, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप प्लीज बैठे हो सही। अरे रहने दो मियाँ, ये तो हम अपनी बहन की मोहब्बत में यहाँ आ जाते, वरना इसका बस चले तो ये हमें यहाँ आने ही ना दे, हटे। अच्छा एक मिनट, मेरी बात तुम किस सिलसिले में इतनी सफाइयां दे रहे थे भाई? जिसने रुकना है रुके, जिसने जाना है जाए, कोई जरूरत नहीं है मिन्नत समाजत करके रोकने की। अरे शादी वाला घर है यार, कुछ तो ख्याल किया करो। महवेश चलो, तू चल मेरे साथ। क्या हुआ क्या? मैं कह रही चल। हाथ जोड़ के मिन्नत समाजत कर रहा हूं तुम लोगों की, जिद ना करो। वहां लड़के वाले आ गए हैं, मुझसे सवाल करेंगे, मैं किस किस को जवाब दूंगा? सुन भाई, सुन भाई प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हाथ जोड़ के? मैंने कहा ना हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन लोगों की बातें एतराजात, डर लगता है ना। लेकिन ठीक है सुन भाई, हमेशा बहनों ने ही भाइयों के लिए कुर्बानियां दी है ना, मैं भी ये नहीं देख सकती कि नबीला के ससुराल वालों के सामने आपको शर्मिंदगी उठाना पड़े, इसलिए मैं चलूंगी आपके साथ। अगर मुझे बाद में किसी ने बातें सुनाई ना तो कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। नहीं नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता बेटा, तुम्हारा भाई जिंदा है, मतलब साकिब सिर्फ आज रात की बात है, बेटा कल तक का मौका दे दो मुझे, सिर्फ कल तक का, इतना एतबार कर लो अपने भाई पे। सुन भाई मुझे है आप पे एतबार, बल्कि आप पे तो एतबार है मुझे, ना मेरे सर पे बाप का साया है ना मेरे पास माँ की गोद है, आप ही तो मैका है मेरा, बस अब आपने मेरा मान रखना है, मैंने आपका। ठीक, बड़े हैं हमारे, खुद चल कर आए हैं, हम मान रखते हैं इनका, बस अब देखना यही है कि कल ये कैसे हमारा मान रखते हैं। मैं चेंज करके आ रहा हूं।
मैं भी बस जल्दी से तैयार हो गया था अभी। दस लाख रुपए असफंद अभी तो इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके दिए थे यार। भाई मैंने सोचा था कि इतने पुराने दोस्त हैं, इतना करीबी ताल्लुक है और बहनें तो सांझी होती हैं, लेकिन इतनी जल्दी अचानक मेरे लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। पर क्यों अचानक 10 लाख रुपए की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या लड़के वालों ने कोई मुतालबा वगैरह किया? नहीं नहीं, वो लोग तो बहुत सादा लोग हैं यार, कोई भी मुतालबा नहीं है उनकी तरफ से। एक्चुअली कुछ चीजें आ गई थीं जिसकी वजह से पेमेंट शॉर्ट हो गई है, और तुम जानते ही हो जो बिजनेस के हालात हैं इस वक्त, मेरी 2-3 पेमेंट्स डिले हैं, पर नो इशू, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ आई एम सॉरी यार, मैं मेहंदी पे नहीं आ सका, वो फ्लाइट डिलेज तुम्हें तो पता है। मैं सुबह चक्कर लगाता हूँ ना तुम्हारी तरफ, तो फिर देख लेते हैं। हाँ चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। फल्ला नासिर, आप इतना लेट क्यों हो गए थे? क्या हो गया था आपकी फ्लाइट को? और सबने आपका इतना पूछा, ले लीजिए। ओह थैंक यू वेरी मच। भाई ये फ्लाइट मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, डिले हो जाती है। तुम बताओ कैसी रही मेहंदी, सब ठीक था? हाँ वैसे तो सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी कंफ्यूज सिचुएशन थी। असवन भाई की बहनें भी, बल्कि सब लोग बड़े उखड़े उखड़े से थे। महविश लोगों को पता नहीं क्या हुआ, वो लोग आए फिर अचानक कोई बात हुई चले गए, और वो साकिब और नायला वो तो आ ही नहीं रहे थे, असवन भाई उन्हें लेने गए। ये तो समझ से बाहर था जो कुछ भी हो रहा था। लेकिन असवन भाई ने आपको बहुत याद किया और बार बार आपका पूछा। हाँ
जाहिर है इतने पुराने दोस्त हैं। अच्छा जाओ तुम चेंज वेंज करो। जी मैं आता हूँ। बहुत शुक्रिया आप चले जाएं। सोई कहाँ थी? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वक्त देखा है रात का 1 बज रहा है। क्या करूं? हमीदा खाला आने ही नहीं देनी थी मुझे। खाना भी भेजा है आपके लिए। ज़हरा कैसी लग रही? बहुत खूबसूरत लग रही थी अम्मी। बहुत खुशकिस्मत है ज़हरा। क्या बली आई थी उसके लिए, क्या जेवरात थे, क्या कपड़े थे, इतने तोहफे तहाए। लड़का भी बहुत अच्छा था, बनी लग रही थी हमारी। मेरी बेटी भी जब दुल्हन बनेगी बिल्कुल परी लगेगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे जोड़े बनवाऊंगी तुम्हें, खुद सीऊंगी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं नहीं जा रही आपको छोड़ के कभी भी अकेले। आप क्या करेंगी मेरे बगैर? इतना एहतमाम तो मैं नहीं कर सकती तुम्हारी शादी पे, फिर भी अरमान तो मुझे बहुत है। तुम्हारे बाबा को भी बहुत शौक था, चाहते थे कोई कसर ना धूमधाम से तुम्हारी शादी हो। बस देखना नसीब नहीं हुआ, पहले ही चलेगा। खुश मौत हो। बाबा का सोच के मैं उदास नहीं हो रही। मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं ले जाऊंगी। मैं आपको पहले से बोल रही हूँ, मैं पार्लर से ही तैयार हूँ। हुजूर पैसे नहीं है मेरे पास उजाड़ने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, घर पे ही तैयार होना। ठीक है फिर मैं असवन मामू से ले लेती। अच्छा ठीक है, फिर उनसे कहना कि अम्मी कह रही थी उनका जोड़ा हल्के रंग का है तो वो भी पार्लर से ही तैयार होगी, मेरे लिए भी ले लेना। मैं नहीं बोलूंगी आपका, खाली अपना बोलूंगी। हाय कितना प्यारा है, बहुत ही हसीन है, मेरा भाई तो शहजादा लगेगा इसको। सही बात है। वैसे अम्मी आप बाबा के लिए भी ऐसा सूट बना देते हैं? हर वक्त बेतुकी बेवक्ती बात, बाबा अच्छे लगेंगे इस उम्र में ये जोड़ा पहनते हुए। तो इसमें बुराई क्या है? देख देख असवन, मैंने तेरे लिए ये जोड़ा बनवाया, मुझे पता था तुझे खुद तो ख्याल आना नहीं। अच्छा उमर वो अलीना को एक कप चाय बना दो मुझे। ये ले तू पी ले। नहीं नहीं तुम जाओ, जाके अलीना को बोलो। जा जी ठीक है। तेरे सर में इतना दर्द क्यों रहने लगा है? पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ पा। ये तो क्या कह रहा है असवन, अगर पैसे नहीं थे तो फिर नायला से वादा क्यों किया था? अब तो कयामत आ जाएगी, वो मियां बीवी तो फसाद करेंगे शादी वाले दिन। पापा आपके पास वो रखा हुआ है ना जेवर? अम्मा वाला? हाँ हाँ, पर वो तो तेरी दुल्हन के लिए रखा है ना, जो हमारा हिस्सा था वो तो हम ले चुके। आप अब उसमें से 1 सेट और 2 कंगन ना आप दे दीजिए। अम्मा अब्बा ने तुम्हारी दुल्हन के लिए रखे थे वो? हाँ अब्बा तो मेरे ही काम आ रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि एक बहन की मैं शादी कर रहा हूँ और दूसरी बहन को नाराज कर दूँ? ये सोना जेवर ये सारी चीजें आपा आनी जानी है। आज मेरे पैसे फंस गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी आएंगे नहीं मेरे पास। मैं 2 माह से समझा रहा हूँ,
कि आपको जल्द से जल्द डायलिसिस करवा लेना चाहिए। अगर आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया तो ये बीमारी आपके लिए जानलेवा साबित होगी। डॉक्टर साहब, खाली दवाइयों से काम नहीं चल सकता। नहीं, जब तक चल सकता था उस वक्त तो मैंने डायलिसिस का मशवरा नहीं दिया था। अब क्योंकि दवाइयों से आपकी बीमारी कम नहीं हो रही, इसीलिए मैंने डायलिसिस का मशवरा दिया है ताकि जल्दी आप इसे शुरू कराएं, वरना ये आपके लिए बहुत ही मोहलिक अंदाज में जानलेवा साबित होगी। असल भाई, आप मेरे जेवर में से कुछ नायला आप ही को भी दे देते। क्यों बेटा, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनवाए। अम्मी ने भी कितने प्यार से वो जेवर और कंगन आपकी दुल्हन के लिए बना के रखे थे। अम्मा होती तो क्या वो भी यही करती। तुम क्यों भूल जाती हो, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हें मैंने माँ और बाप दोनों बन के पाला। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे या मेरी किसी भी बहन के दिल में किसी भी किस्म की कोई महरूमी हो या एहसास जागे कि माँ बाप जिंदा होते तो हमारे लिए ये करते वो करते जो तुम्हारा भाई ना कर सके। काश हम भी आपके लिए वो कर सकें जो अम्मी अबू होते तो आपके लिए करते। नबीला, कल रात जब मैं नायला और साकिब को लेकर वापस आया हूँ तो खाला फरीदा नहीं थी। इतनी जल्दी कहाँ चली गई थी? इससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ। बस बैठे बिठाए खाला को याद आया कि सब कुछ इतने मुनासिब तरीके से कैसे हो रहा है तो फैला दी बदमस्की। ये रिश्तेदारों को आदत होती है रंग में भंग डालने की। मगर आपा वो... अच्छा, तुम अभी तक बैठी हो, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें तैयार होना है। अलीना से कहो तुम्हें पार्लर लेकर जाए, बड़ा वक्त लगता है वहाँ, फिर देर हो जाएगी, जाओ। हाँ तो मैं तो ये सोच रही थी कि मैं खुद भी पार्लर जाके तैयार हो जाऊँ, भाई खुद पे ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी घरदारी है, कभी बच्चे हैं, उसको देखो शबाना को, फिर मेरी उम्र की है लड़की बनी घूमती है। खाला किस बात पे नाराज हो गई? बहाना चाहिए खाला को, मुंह फाड़ फाड़ के इतना कुछ कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि हम बहनें तुम्हें नोच नोच के खा रही। अब देखो जरा आसमान, ये कोई बात है भला कहने वाली? कौन से दामाद, कौन से बहनोई है जो फरमाइशें नहीं करते? अगर साकिब ने कर दी तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? और फिर तुम अगर बहन का मान रख रहे हो तो अल्लाह ने तुम पे करम किया है ना, बहनों की दुआएं ही लोगे। लेकिन वो तो ऐसे नाराज हो रही थी जैसे वो हम तुम्हारे दुश्मन है और वो तुम्हारी सगी। आपको पता है खाला की आदत का, छोटी छोटी बात पे जज्बाती हो जाती है। उनकी एज ऐसी है, उनकी बातों का बुरा मत माना करें आप। बुरा मान के तो वो गई हैं, जैसे तुम उनसे लेके बहनों को पाल रहे हो। अभी से इतना हक जता रही हैं तो सास बन के पता नहीं क्या करेंगी, वो तो हमें फटकने नहीं देंगी तुम्हारे पास। देखिए आप, मैं खाला को सिर्फ इस रिश्ते से मनाने जाऊंगा कि वो मेरी खाला है, ठीक है? लो, बारात से 2-3 घंटे पहले तुम निकलोगे उनकी मिन्नत समाजत करने और उन्हें मनाने के लिए। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो असन, उनकी आदतें खराब कर रहे हो। इस तरह तो कल को मैं भी आके तुम्हारे सर पे नाचेगी। खाला है ना हमारी, अम्मी की सगी बहन, और आपको पता है अम्मी कितना प्यार करती थी उनसे। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो खाला के बगैर ये शादी होती नहीं, नहीं तो अब कैसे हो सकती? मैं जाऊंगा मैं। क्या कहा डॉक्टर ने इधर बैठे? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा है, सब ठीक है। हमेशा भी यही कहती हैं। अगली बार मैं डॉक्टर से जाके खुद पूछूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अच्छा है ना, इसी बहाने चल फिर लेती हूँ थोड़ा सा। मैं आपको नहीं पता, जब भी आप घर से बाहर जाती हैं ना तो दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। बाबा को मैं खो चुकी हूँ, ये आपको नहीं खोना। निमरा, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कहा ना कुछ नहीं हुआ है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली मैं। अच्छा, आप मुंह हाथ धोइए, मैं खाना लेके आती हूँ आपके लिए। 2 मिनट ठहर जाओ। बेटा, तुमने तो पलट के पूछा ही नहीं खाला को, हैं? मैं तो इंतजार करती रही कि अभी फोन आएगा, अभी पूछोगे मुझसे। खाला, मुझे तो जैसी खबर मिली है मैं फौरन भागा चला आया हूँ आपको लेने के लिए।
अब भी तुम दुनिया दिखावे के लिए आए हो? ये लोग पूछेंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, खाला नहीं हुई तो। कैसी बातें कर रही हैं? माँ की जगह समझता हूँ मैं आपको, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं चाहता हूँ कि नबीला आपकी दुआओं में रुखसत हो घर से। यही बात तो मैंने नजीबा से कही थी, लेकिन उसने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई है कि क्या बताऊं। खुदा की कसम ये तुम्हारे मुंह को मैं चुप हो गई। बेटा अश्वन, तुम ही ने कहा था मुझे कि अपनी बहनों के फर्ज से फारिग हो जाऊंगा, फिर अपना घर बसाऊंगा, और इसीलिए मैं भी चुप हो गई थी। लेकिन अब बहाना कैसा खाला, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मेरी जिम्मेदारियों में महविश मेरी हिस्सेदार बने, अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं तो महविश को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। तुम्हारी भी मदद खूब है भाई। अब मेरी महविश में ये बताओ किस बात की कमी है? एक से एक रिश्ता आता है उसका। ये तो मैंने आपा को जबान दी थी, इसलिए सारे रिश्तों को इनकार कर दिया। जब मेरी महविश चंद दिनों की थी, आपा ने उसे तुम्हारे नाम कर दिया था। अब तुमने अपनी माँ के दिए हुए सारे फर्ज पूरे कर दिए हैं, तब उनका अहद भी पूरा कर दो। जी खाली, मैं कल ही बात करता हूँ ना आपा से। अच्छा, आप उठें, तैयार तो हो ना? महविश, खाला से कहो ना कि तैयार हो जाए। चलो मैं चलती हूँ अश्वन, लेकिन महविश नहीं जाएगी, वो तो बस अब एक ही बार जाएगी तुम्हारे घर शादी के बाद। थैंक यू खाला, थैंक यू। नाराज हूँ तो क्या ना हूँ? इतनी गैर अहम हूँ मैं आपके लिए कि आपको अगले दिन एहसास हुआ है कि मैं थी नहीं वहां। मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होता कि तुम मुझसे दूर, मुझे तो लगता है जैसे तुम हर वक्त मेरे साथ हो, मेरे पास। अच्छा सुनो, खाला से कहो ना कि तुम भी साथ चलो। आपा, आपा देखिए जरा मेरा सेट कैसा जच रहा है ना मुझ पे। आपा देखे तो, ये देखे, है ना अच्छा लग रहा है ना? आप देखना, मेरी सास जब देखेंगी ना, उन्हें तो आग ही लग जाएगी। मेरी देवरानी, उसका तो आप पूछे ही मत, उसके तो घर वाले से पूछते भी नहीं है, ईद शबरात पे भी नहीं पूछते। लूट लो मजे, चार दिन की चांदनी है, जैसे ही अश्वन की शादी हुई ना महविश से, फिर सारे ऐश खत्म, मुंह देखती रह जाओगी। महविश जो है ना, उसकी सिर्फ शक्ल खाला पे नहीं गई, उसकी हरकतें भी वैसी हैं। आपा, लेकिन भाई तो वो हमारा ही है ना, और महविश उसका क्या, काबू कर लेंगे उसे हम। जिस फरीदा खाला की वो बेटी है ना, उनकी बड़ी बहन की औलादे हैं हम। हमारी अम्मा ने कहाँ सिखाई है ऐसी हरकतें भाई, हम तो बस सादगी में ही मारेंगे। अभी भी देख लो, माँ बेटी ने काबू किया अश्वन को, इस वक्त भी खाला के कदमों में बैठा है उन्हें मनाने के लिए। पापा, आप भी कोई काम पूरा नहीं करती ना, अगर उनकी तबीयत साफ करनी ही थी तो अच्छी तरह करती कि वो मानती ना। भाई कहा ना, नहीं आता मुझे, ना मुझे ये करना आता है, ना मुझसे ये होता है। हम तो अपने भाई की खुशियां ही चाहते हैं बस, इसी की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं उस कमबख्त खाला को भी और उस मनूस शक्ल वाली महविश को भी। बाबा, मैंने अपना बचपन तो 11 साल की उम्र में उसी वक्त खो दिया था जब आपका हाथ सर से उड़ गया था, और अम्मी के जाने के बाद शायद मैंने अपनी जात को भी खो दिया। खुद को आप दोनों के रूप में ढालने की बहुत कोशिश की मैंने, माँ और बाप दोनों का साया बनने की, ताकि मेरी बहनों को यह एहसास ना हो कि माँ और बाप के जाने के बाद बेसहारा हो गई। आज आपकी दुआओं से इस आखिरी जिम्मेदारी से भी सुरखुरु हो गया, और अब वक्त आ गया है कि अपनी जात के लिए जी। कल नबीला और उसकी ससुराल के खाने से निबट लूं, तो परसों फिर हम लोग भी चले जाएंगे। इनसे कह दिया मैंने अपनी पैकिंग शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। सब एकदम चले जाएंगे तो घर तो खाली खाली हो जाएगा, वैसे भी पहले मेरे और नबीला के अलावा घर में था ही कौन, और अब वो भी नहीं है तो। हाँ, पर जाना तो है ना अश्वन, वरना मेरा कहाँ दिल चाहता है तुम्हें अकेला छोड़ कर जाने। मामू, वो
कॉलेज भी तो जाना है ना वापस। अच्छा तू ऐसे कर, उदास ना हो, शाम को ना रोजाना मेरे घर आ जाया करना, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना के रखूंगी और फिर वीकेंड पे तो हम आ ही जाते। और क्या मामू, और वैसे भी हमारा और नायला खाला का वीकेंड तो यहीं पर गुजरता है। वो तो ठीक है, लेकिन पूरे 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, रोज रोज बहन के घर भी नहीं जा सकता और खारी घर में अब दिल भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं बस 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 मैं ऐसे दिल छोटा ना कर, देख इस तरह मैं जा नहीं पाऊंगी, बस मैं कह देती हूँ जोरुलाई से, उसने जाना है तो जाए, संभाले अपना घर और अपने बच्चे, मैं तो यही रहूंगी अपने भाई के पास। कैसी बातें कर रही हैं, मेरी खातिर आप अपना घर बार क्यों छोड़ रही? बस देखिए अम्मा, आपको हमसे ज्यादा मामू से प्यार है, हमें अकेला छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन मामू को नहीं। अपने शहजादे के लिए मैं किसी को भी छोड़ सकती हूँ, देख तो सही एक ही रात में इतना सा मुँह निकल आया, मेरा तो कलेजा कट रहा है तेरी शक्ल देख देख के। बस अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, एक आखिरी जिम्मेदारी रह गई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है नबीला अपने घर की हो। नहीं हर जिम्मेदारी से, अच्छा जाओ देखो उमेर आया कि नहीं, उठो। अभी कहाँ हर जिम्मेदारी से आजाद हो तुम असवन, ये अपनी अलीना भी तो है, ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अरे कोई मेरे दिल से पूछे, इतने अच्छे रिश्तों को इनकार करते हुए दिल पे क्या गुजरती? मियां फिर लेके वही बातें शुरू हो गई। अरे भाई जब तक ये बात जू की तू रहेगी बात तो होती रहेगी, अब लोगों को देखो बेटियों के रिश्ते नहीं आते तो वो लोग तरसते रहते और यहाँ टपा टप बारिश की तरह रिश्ते आ रहे और मैं इनकार किए जा रही। हाय हाय कहीं मैं कुफराने नेमत तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा ना हो कि फिर रिश्ते ही आने बंद हो जाए और असवन भी। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, असवन को इस रिश्ते की नजाकत का उतना ही एहसास है जितना मुझे। मुझे भी है, असवन से बहुत प्यार करती हूँ मैं, है लेकिन क्या करूँ डरती भी तो हूँ, तेरी उम्र हो गई है और लोग बातें बना रहे हैं, तेरे लिए जितने रिश्ते आए थे ना उसमें सब तेरी छोटी बहनों को मैंने ब्याह दिया, अब जो रिश्ता आया है बस उसमें मेरा दिल बेईमान हो रहा है। तो अपने दिल से कहें कि सब्र कर जाए क्योंकि मैं किसी की अमानत हूँ, असवन ने आपसे कहा तो है कि वो नजीबा आपा को भेजेंगे, वो अपनी किसी भी बात से कभी पीछे नहीं हटे अम्मी, असवन अपने किए हुए अहद के पूरे पक्के हैं और अब उनका अहद पूरा हो गया है तो आपको भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी आपको बहुत जल्दी है ना मुझसे छुटकारा पाने। बस तुम्हारा ही आस रहे मेरे भाई, बच्चों का बाप किसी काबिल होता तो मैं तुम्हारा मुंह देखती, ये तुम ही हो जिसने मेरा हाथ थामे रखा, वरना मेरी इतनी पसली कहां थी कि मैं बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाती। बस अब एक ही ख्वाहिश, अलीना बीए कर ले तो उसको ब्याह दो और उसके ब्याह की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है अलीना, बस तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ है मेरी जिम्मेदारी, बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह, जो हो सकेगा मैं करूंगा उसके लिए, लेकिन लेकिन क्या क्या लेकिन? अरे ये तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं सर ढांपे बैठी हूँ अपने घर में, कभी किसी के सामने अपने हालात का रोना नहीं रोया, मुझे तो दुगनी उम्र के मर्द के साथ ब्याह दिया कम उम्र में ही, और ऊपर से तंगदस्ती अलग, कोई और होती ना तो बच्चे लेके मैं क्या पड़ती, लेकिन मैंने सबर शुक्र से निभा किया, बस ये जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी, ये नहीं हो सकता।